वाराणसी के लालपुर क्षेत्र अंतर्गत कन्हईपुर गांव में जलभराव से लोग त्रस्त हैं। वाराणसी की बड़ी आबादी को इस्तेमाल पानी पुनः शुद्ध कर पीने योग्य बनाकर वापस आमजन को उपलब्ध कराने के लिए गोईठहा में स्थापित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में अपनी भूमि लेने वाले ग्रामीणों के घर के पानी निकासी के लिए नहीं बनी है। कोई सीवरेज की व्यवस्था नहीं है। यहाँ चिराग तले ही अंधेरा है। हम बात कर रहे हैं कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर के विधानसभा क्षेत्र के कन्हईपुर गांव की, जहां गांव में जाने वाले मुख्य मार्ग पर लोगों के घरों का गंदा पानी मुख्य रास्तों व गलियों में भरा पड़ा है, जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। कन्हईपुर पहुंचने पर ग्रामीणों ने बताया कि सालों से गांव में आने जाने वाले लोग सीवर के इसी गंदे पानी से गुजरने को मजबूर हैं। 2500 से 3000 की आबादी के ग्रामीणों ने बताया कि शहर की गंदगी साफ करने के लिए शासन प्रशासन ने हमारी जमीन अधिग्रहित कर ली, लेकिन हमारे यहाँ सीवर लाइन भी नहीं डाली। लोगों के घरों में इस्तेमाल होने वाला पानी, उसकी निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आज मैं जो है ग्राम साथ में विधायक क्षेत्र जो है कन्हईपुर गोईठहा में आया हुआ हूँ, जहाँ देखने के मिल रहा ये मिल रहा है ये पोखरी, जैसा कि ये पोखरी विकसित हो रहा है। लोगों के बताने के अनुसार करीब कई 100 वर्षों पूर्व यह रही है और आज तक शासन प्रशासन नहीं ध्यान दे रहा है, ना ही नगर निगम। आज ये नगर निगम के अंतर्गत आता है और यहाँ की जनता इससे त्रस्त है। बस इसलिए है कि जैसा कि देख रहे हैं ये गाड़ी आ रही है, जैसे जो है बना हुआ है, इसमें आदमी गिर सकता है और तरह तरह के स्वास्थ्य विभाग भी इसको नज़रअंदाज कर दिया है। जैसे कि यहाँ मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड भी लोगों को हो रहा है। बरसात में तो पूछने की ही नहीं, बरसात में तो आए दिन लोग गिर करके हाथ पैर टूटता ही होगा। जैसा कि आप गंगा जी की तरह एकदम बह रहा है और कोई शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। नमस्कार, मैं अजय कुमार श्रीवास्तव वाराणसी। मुकेश कुमार पटेल कहाँ का निवासी हैं? कोई ठहा का नहीं। कुछ क्या मैटर है आज यहाँ सभी लोग एकत्रित हुए हैं? मैटर सर, मैटर तो बहुत ज़्यादा गंभीर है। मैं जब से पैदा हुआ तब से यही हाल है। बरसात रहे, गर्मी रहे, जड़ा रहे, नाला का पानी ऐसे ही बहेगा, पोखरी में वैसे ही जाएगा। आपसी लोग का जो है कि संपत्ति ये पोखरी, इसी में पानी जाता है। गंदगी मतलब इतना ज़्यादा है कि डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड पूरे एरिया में एकदम छा गया है। कहीं आप हर घर में हर कोई बीमार है। कहीं आप प्रशासन के यहाँ गुहार लगाए, ऐसी सूचना दी? सर, प्रशासन के यहाँ पे हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग के भी उतनी एबिलिटी नहीं कि हम लोग प्रशासन के पास गुहार लगाए। ग्राम प्रधान से आप लोगों ने अवगत कराया? ग्राम प्रधान से अवगत करा दिया गया, वो खुद यहाँ पे आए हैं, गाँव में देखे हैं, ताकि पूरा देख के गए हैं। तो अभी तक रुका हुआ है, उन्होंने भी अभी कुछ किया नहीं है। कुछ कर दी होती तो ये समस्या ही दूर हो जाता है। ये आप अपना परिचय बताएं। ओम प्रकाश पटेल, कहाँ के निवासी हैं? ग्राम कलिंग। अच्छा, आज जैसा कि लोग बता रहे हैं, आपने किससे किससे ये कहा? जैसे भूतपूर्व प्रधान रहे होंगे, एक समय पार्षद पहले थे, प्रधानी में चल रहा था, प्रधान भी आकर देख लिए, अब पार्षद हो गए रविशंकर। देख के गए थे कोई बरसात बात होगा, कोई भी नेता बैठा आप लोगों की बातों को नहीं सुना? कोई कोई आज तक ये विगत कितने वर्षों से है, कितने सालों से? हम जब से पैदा हुए 50 साल। 50 साल से यूं ही आप लोग गिर गए? हाँ, इसी तरह। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।